हेलो एवरीवन टुडे वी शिल डिस्कस हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो मोबाइल एंड पेन टैब डियर फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक मोबाइल को पेन टैब से कनेक्ट करते हैं और उससे एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम जानते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमें एक मोबाइल चाहिए राइट right? और एक पेंट टैब इसे हम पेंट टैब बोलते हैं जहाँ पर हम ये लिखते हैं तो ये मोबाइल में के स्क्रीन में लिख सकते हैं और ये पेंट टैब में क्या क्या पार्ट्स हो, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। और किस तरह से ये हम ये मोबाइल से कनेक्ट करते हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे तो पहले देखिए ये जो हमारा पेंट टैब है राइट ये पेंट टैब में यहाँ पर देखिए चार एक दो तीन चार लाइट है और जब हम कनेक्ट करेंगे ये चारों लाइट जलने लगेगा ये हमारा वर्किंग एरिया है यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये हम वर्क वहाँ पर हम इसका अंदर में जो भी लिखेंगे ये एरिया के अंदर तो वो हमारा मोबाइल में या आपका लैपटॉप और कंप्यूटर में उतना हम लिख सकते हैं ये जो है ये है पेन जिसे हम स्टाइलस बोलते हैं या पेन ऑफ पेन टैब पेन टैब का पेन से हम यहाँ पर कुछ भी राइट करते हैं कुछ भी लिखते हैं तो वो मोबाइल में शो होता है ठीक है तो वेलकम कुछ भी लिखेंगे लेकिन आपको ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर में ही लिखने पड़ेगा ठीक है अब हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस पेंट ऐप को इस मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और कैसे हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो आपको बना करके दिखाएंगे ठीक है सबसे पहले हम करते हैं क्या ये पेंट ऐप को इसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है देखिए ये जो मोबाइल होता है इसका जो चार्जिंग पोर्ट होता है ये है चार्जिंग पोर्ट ये दो तरह का होता है एक होता है टाइप बी और एक होता है टाइप सी ये जो मोबाइल का जो ए पोर्ट है ये है रेडमी नोट फोर इसका है टाइप बी राइट और एक होता है टाइप सी राइट वो पहले आपको देखना है कि कौन किस तरह का मोबाइल का जो चार्जर है वो किस तरह का पोर्ट है वो हो सकता मोबाइल टाइप बी हो या टाइप सी इस तरह से हमें इस तरह का हमें यू एस बी मिलता है जिसके साथ ये यू एस बी जो है ये आपको पेंट टैप के साथ ही मिलेगा अगर ये जो पेंट है इसका नाम है एक्सपी पेंट डेको जीरो वन भी टू इसका लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का ये पेंट है ये जो यू एस बी है ये दो तरह का है देखिए ये थोड़ा सा पतला सा है इसको हम बोलते हैं टाइप बी राइट एकदम पतला होता है ये टाइप बी है और एक होता है ये है टाइप सी तो आपको पहले सबसे पहले देखना है कि आपका जो मोबाइल है वो जो चार्जिंग पोर्ट है उसका कौन सा एस बी पोर्ट है टाइप बी और टाइप सी हमें पहले ही बताया कि ये जो मोबाइल है मेरा रेडमी नोट फोर ये टाइप बी में काम करता है टाइप बी ये टाइप बी है हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो हमको दिखाते हैं सबसे पहले कनेक्शन ऐसे होता है देखिए इस तरह का हमारा एक कनेक्शन होता कनेक्टेड होता है ये वायर से एक पेन टैप से ठीक है यहाँ पर एक पोर्ट है इसे हम कनेक्ट किए हैं और इस तरह का एक वायर होता है जो मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं ये वाला देखिए ठीक है इससे हम उसे कनेक्ट करते हैं तो ये वाला जो पोर्ट है आपका जो टाइप बी मैंने पोर्ट दिखाया अभी इसे इसे कनेक्ट करेंगे ठीक है अब देखिए किस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको ये देखिए इससे हम इसको कनेक्ट करते हैं राइट ये वाला कनेक्ट हो गया और इसको हम मोबाइल का मोबाइल में कनेक्शन करेंगे कनेक्ट करेंगे ठीक है तो ये जो पोर्ट है ये पोर्ट है टाइप बी अगर आपका मोबाइल टाइप सी का होगा तो टाइप सी में कनेक्ट करना है मोबाइल ये जो मोबाइल है हमारा रेडमी नोट फोर इससे हम कनेक्ट करेंगे ठीक है तो कहाँ कनेक्ट करेंगे जो चार्जिंग पोर्ट होता है राइट ये जो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर हम इसको देंगे ठीक? देखिए तो हम चार्जिंग पोर्ट में इसका कनेक्ट करते हैं इस तरह से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपना पेन टैब से अभी पेन टैप में हम जो भी लिखेंगे ये यहाँ पर स्क्रीन में शो होगा राइट और ये स्क्रीन में कैसे शो होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हम जब इसे कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो पेन टैप है वो ये से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर ये जो पेन है ये पेन से हम कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे तो ये स्क्रीन में दिख सकते हैं कुछ भी वेलकम या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पेंट में जो भी हम लिखेंगे ये स्क्रीन में दिखेगा राइट और कुछ कुछ भी हम लिख सकते हैं तो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल को और पेन टैब से ठीक है तो सबसे पहले दिखाते हैं सबसे पहले ये हमारा पेन टैब है राइट ये टैबलेट है पेन टैबलेट ये वायर जो है ये वायर से हम कनेक्ट करते हैं एक यूएसबी पोर्ट या टाइप बी या टाइप सी आपको मोबाइल जो भी जिस तरह का पोर्ट है उस तरह का आपको लेना है आइधर टाइप बी और टाइप सी यहाँ पर हम टाइप बी लिए हैं और इसे क्या करना है इसका जो चार्जिंग पोर्ट है अब देखिए यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको डाल देना है तभी ये अपना पेन ऐप से कनेक्ट हो जाएगा राइट दिस इज द वे इन विच यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल विद द पेंट ऐप ठीक है जब ये पेंट ऐप इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो हमारा बाइट है एक दो तीन चार ये हमारा लाइट जल जाएगा ठीक है अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एक मोबाइल को एक पेन टैब में कनेक्ट करते हैं और इसके बाद हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ मोबाइल और पेन टैब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर ना कोई लाइटिंग सेटअप और कुछ भी हमें नहीं चाहिए सिर्फ मोबाइल और पेन टैब और जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें और एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड तो हम बाद में दिखाते हैं कि क्या क्या हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या जरूर होता है जिसे हम जिसे हम बहुत अच्छे तरह से एक एजुकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं हम आपको दिखाते हैं राइट right? इस तरह से हम एक कनेक्ट करते हैं और अब अब हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड पेंटैप राइट यार फ्रेंड्स अभी हम दिखाएं पार्ट वन में कि किस तरह से हम इसे कनेक्ट करते हैं किससे कनेक्ट करते हैं मोबाइल और पेंट से हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वायर राइट और यूज से इसे टाइप बी और टाइप सी आपका मोबाइल अगर टाइप सी है तो इस तरह का यूज भी आता है ये टाइप सी बोलते हैं इसे कनेक्ट करना है इसको अगर आपका टाइप बी है तो इसे कनेक्ट करना है ठीक है तो ये हमारा जो पेंट है वह इसका नाम है एक्सपी पेंट डेको जीरो वन वी टू इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह का राइटिंग हम मोबाइल में लिख सकते हैं मोबाइल या पेन या कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत अच्छे तरह से हम उसे लिख सकते हैं ठीक है अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं डियर फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए Is a video on feed Dear friends, if you like this video, please subscribe, like, and share. Thank you, everybody, for watching this video. Hello, everyone. Today I am going to show you how to make a professional educational video with mobile and Paint Tab. डियर फ्रेंड्स अच्छी हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं मोबाइल और पेन टैप से सबसे पहले देखिए हम जो वाइट बोर्ड लेंगे उसका नाम है ऑन बोर्ड रिकॉर्ड आपको वाइट बोर्ड जो है वहाँ पर आपको टैप करना है टैप करते ही आपको चूज ऑरियनटेशन ऑफ द्हाइट बोर्ड आप अगर पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में टैप करना है अगर लैंडस्केप मोड में करना चाहते हैं तो लैंडस्केप मोड में टैप को टैप करना है तो मैंने अभी लैंडस्केप मोड में ले लिया लैंडस्केप मोड में लेने के बाद हम अभी चले जाएंगे देखिए मेरा ये आ गया ठीक है अभी क्या करना है अभी हमको ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है यहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे तो हम दो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन स्निप करके रखें क्लास नाइन का वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को स्निप करते हैं वो हम बाद में दिखाएंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन ले, ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो सबसे पहले ये हमारा जो सिस्टम है ये हमारा सिस्टम में चले जाएंगे ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम में चले जाने के बाद देखिए ये हमारा सिस्टम है हम क्वेश्चन ले लेंगे ठीक है सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज है ये वाला हम लेंगे वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम स्निप करते हैं वो हम बाद में दिखाते हैं देखिए ये मेरा क्वेश्चन एक्सरसाइज आ गया एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है और इसे यहाँ पर रख देते हैं और कर देंगे टैप राइट तो देखिए मेरा एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव आ गया अभी हमको क्वेश्चन लेना है हम फिर से चले जाएंगे सिस्टम में जाते ही ये हमारे क्वेश्चन है ये हम क्वेश्चन टैप करेंगे और ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन और जितना बड़ा चाहिए उसे हम इतना कर सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं यहाँ तक एडजस्ट कर देंगे करने के बाद आपको कर देना टैप ये हमारे क्वेश्चन आ जाएगा राइट देखिए किस तरह से हम बहुत अच्छे तरह से एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन हम यहाँ पर ले कर आए हैं ठीक है अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो हम इसे बना सकते हैं सबसे पहले हम कोई भी पेन ले लेते हैं ये हमारा पेन है राइट और हम जो कलर चूज़ करेंगे वो लेंगे रेड ठीक है तो रेड कलर चूज़ कर लिए अभी हम, हम हमारे जो पेन टैब है पेन टैब से हम लिखेंगे ये हमारा कारजल है ठीक है सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन बनाया और किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ये कौन क्लास का सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये है क्लास नाइन सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लास नाइन इसे चाहे तो आप टाइप करके भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी एल ए डबल एस क्लास नाइन ये हम क्लास नाइन के लिए बना रहे हैं क्लास नाइन है एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव है और ये एन सी ई आर टी बुक का है एन सी ई आर टी एन सी ई आर टी डियर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव वेरीफाइड क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ये एन सी आर टी बुक का है क्लास नाइन का जिसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम किस तरह बहुत अच्छे से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड पेंट ऐप ठीक है अभी हम पेंट ऐप में लिखेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि पेंट ऐप में हम कैसे इसे ए, कैसे ज्वाइन किए हैं वो भी हम दिखा देंगे ठीक है और हम जो पेंट ऐप अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम है एच पी पेंट डेको जीरो वन भी टू ठीक है अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं और किस तरह से ये सॉल्व करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे ठीक है

इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे राइट हैंड साइड से शुरू करना है ठीक है चाहिए राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम क्या लिख सकते हैं आ राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमारा क्या क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं क्या है राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन है तो इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए एक से इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर राइट प्लस है प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अभी हम इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ठीक है अब हम देखेंगे कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया तो हमारे जो बच गया वो है एक्स क्यूब माइनस एस क्यूब प्लस वाई क्यूब अब एस क्यूब प्लस वाई क्यूब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देर फोर यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड देखिए मैंने वेरीफाई कर दिया हिन्स वेरीफाइड इस तरह से हम बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टैब एंड मोबाइल देखिए किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से सॉल्व कर दिया ठीक है अभी हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू को करने के लिए हम एक दूसरा स्लाइड ले सकते हैं या यहीं पर हम कर सकते हैं हम आपको यहीं पर स्लाइड को करके दिखाते हैं सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं रब करने के बाद हम एक ये हम रब कर लेंगे पूरा हो और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू ठीक है रब कर लेते हैं बहुत इजीली हम रब कर सकते हैं और फिर से हम ले लेंगे पेन और करेंगे क्वेश्चन नंबर टू ठीक है देखिए ये हमारा कर्जर है राइट हेलो एवरीबॉडी नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है क्वेश्चन नंबर टू में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू एक्स माइनस वाई इंटू एस स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड आ रही छि की राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या है वो पहले लिख लेंगे राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे राइट हैंड साइड में है ठीक है अभी हम इससे क्या करेंगे एक्स को हम पूरा एक्स को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अभी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो हमको क्या मिलेगा देखिए एक्स इंटेक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अभी देखेंगे कौन कौन सा टर्म हमारे कैंसिल हो रहा है देखिए यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हुई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड

तो देखिए किस तरह से हम बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्निप करना है स्निप करने के बाद व्हाइट बोर्ड में लाना है और उसे सॉल्व करना है ठीक है अभी हम देखेंगे कि इस इसमें जो व्हाइट बोर्ड है इसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो हम दिखा सकते हैं तो सबसे पहले हम चले जाएँगे एक नया आ, स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर देखिए स्लाइड नंबर टू सबसे पहले देखिए हम क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है वो हम दिखाते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम चले जाते हैं ये, पेन में यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्जर है ये देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला ठीक है ये क्या है ये जो प्लस है प्लस में जितना हम टैप करेंगे हमारा नया स्लाइड आएगा नंबर टू है नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स नंबर सेवन सिक्स सेवन एट इतना स्लाइड नया नया आएगा उसके बाद ये वाला जो स्लाइड पॉइंटर है ये वाला जो है जो रोमिंग है हाथ वाला यहाँ पर अगर टैप करेंगे टैप करेंगे तो ये हमारे फिर बैक कर सकते हैं सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री फोर थ्री टू वन देखिए इसने ये हम सॉल्व किए थे ठीक है तो हम कोई भी स्लाइड ले सकते हैं हम स्लाइड नंबर टू में चले जाएंगे ठीक है अभी हम देखिए यहाँ पर हम क्या क्या और भी फैसिलिटी है ऊपर देख लेते हैं और लास्ट में देखेंगे कि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए हमें क्या किया हार्डवेयर क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए हम लास्ट में देखते हैं ठीक है सबसे पहले इसमें क्या क्या फैसिलिटी है उसको हम देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम जो पेंसिल है ये हमारा पेन है तो पेन का हम कलर चेंज कर सकते हैं देखिए हम अभी कलर लेंगे ब्लैक तो देखिए ये वाला हमारा ब्लैक कलर आ जाएगा देखिए ब्लैक आ गया अभी हम इसे कलर चेंज कर सकते हैं जैसे हमारा ये वाला कलर लेंगे टैप करते हैं तो देखिए कलर चेंज हो गया अभी हम रेड लेंगे तो रेड कलर आ जाएगा उसके बाद ग्रीन लेंगे हमारा तो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर हम चेंज कर सकते हैं ठीक है ग्रीन के बाद ब्लू लेंगे ये हमारा ब्लू है ब्लू देन येलो येलो देन ये कलर लेंगे और चाहे तो आप कस्टमाइज कलर यहाँ से कस्टमाइज कोई भी कलर आप ले सकते हैं ये हमारा कस्टमाइज कलर है जैसे हम ये कलर लेते हैं ये वाला कलर तो देखिए हम ए वाला कलर ले लेते हैं ये देखिए ये वाला कलर मेरे पास आ जाएगा ठीक है और ये छोड़ के भी और क्या क्या काम कर सकते हो हम दिखाते हैं आपको ये हमारा टी है टी का मतलब है टेक्स्ट व यहाँ पर टेक्स्ट भी एंट्री कर सकते हैं ये देखिए ये वाला टी है ये वाला जो टी है इसे हम एंट्री कर सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पर हम टैप करेंगे टी में और देखिए यहाँ पर मेरा व्हाइट बोर्ड फिर से आ गया तो हम फिर से व्हाइट बोर्ड ऑन करते हैं लैंडस्केप मोड में जाते हैं और हमारा ठीक है तो ये टी है ठीक है हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और भी क्या क्या फैसिलिटी हम देख लेते हैं ठीक है टी हमारे टी ठीक है और ये हमारा सेप्स से है कोई भी इस तरह का सेप हम ले सकते हैं देखिए ये हमारा सेप है ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है और देखिए इतना सारा सेप हम कोई भी शेप ले सकते हैं जैसे हम लेते हैं स्क्वायर शेप देखिए यहाँ पर लेते हैं स्क्वायर तो मेरा स्क्वायर शेप यहाँ पर आ जाएगा राइट और भी क्या सेप है हम उसे देख लेते हैं ये हमारा सेप है स्क्वायर है ट्राइंगल यहाँ पर ट्राइंगल सेप ले सकते हैं और भी क्या सेफ है वो भी हम देख लेते हैं ये सेफ है हमारा बहुत सारा सेफ है ट्राइंगल सर्कल है तो हम यहाँ से सर्कल कोई भी सर्कल हम यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है और क्या क्या सेफ है वो हम देख लेते हैं तो और भी सेफ है हमारा एक रिक्सागौन है ये ट्राइंगल ले लिए ठीक है प्लस थ्री माइनस ये सब भी है और चाहे तो हम इस तरह का सेप थ्री थ्री डायमेंशनल सेप भी हम ले सकते हैं यहाँ पर जितना भी सेप है हम कोई भी सेप को यहाँ पर अपना व्हाइट बोर्ड में ला सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं किस तरह से हम अपना सेब कोई भी सेप को हम व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर ला सकते हैं ठीक है इस तरह का सेब भी हम ला सकते हैं छोटा या बड़ा जितना चाहिए उसे हम ला सकते हैं ठीक तो है तो ये हमारा सेब का पॉर्सन है अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो ये हम सेफ सेव का बटन है यहाँ पर देखिए ये है सेव राइट ये है हमारा सेव है तो हम फिर से सेब में भी हम जाके सेव कर सकते हैं ठीक है देखिए ये जो बटन है हमारा सेब का बटन है आप देख सकते हैं ये वाला ये जो बटन है ये सेब का बटन है सेब का बटन में हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं हमारा क्या हो सकता है जैसे सेव सेव करेंगे तो हमारे कैटेगरी आता है इमेज और पीडीएफ डी एफ फॉर्म जिसमें हम सेव करना चाहते हैं सिलेक्ट पेजेस करेंट पेज या ऑल पेज सेव करना चाहते हैं तो हमको टैप करना सेव में ये तो ये मेरा पेज सेव हो जाएगा ठीक है और क्या फैसिलिटी है यहाँ पर देखिए ये हमारा सेटिंग का फैसिलिटी है ये हमारा सेटिंग है ठीक है सेटिंग में अगर टैप करेंगे तो सेटिंग टैप करने से हमारा होगा इस तरह का हमारा एक इंटरफेस आएगा जिसे हम बैकग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं ये जो है ब्लैक येलो जितना भी है ये कोई भी हम सेटिंग कर सकते हैं पेन सेव इतना हमारा पेन है कोई भी पेन हम ले सकते हैं और यह है स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग जो हम अभी वायर माइक यूज़ कर करें उसे हम सेट करके रखें ठीक है ये हमारा सेटिंग हो गया ठीक है अब सेव करने से तो वैर हो गया ठीक है और ये पर पहले हम दिखाएं ये हमारा सिस्टम है सिस्टम में जाएंगे अब कोई भी चीज़ हम यहाँ पर लाना चाहते हैं वो हम ला सकते हैं जैसे ये वाला हम चीज़ इंटर करना चाहते हैं देखिए ये मेरा सिस्टम में आ गया इसे छोटा बड़ा करके हम कहीं पर भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू और और नीड तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत ही इजीली है और बहुत इजी से हम काम कर सकते हैं इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसे टैप करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ठीक है ये इस तरह से ये हमारे सिस्टम से कोई भी चीज़ लाने के लिए हम सिस्टम में चले जाएंगे वहाँ से कट करेंगे और लेके आ जाएंगे ठीक है और ये कैसे और भी क्या क्या, क्या फैसिलिटी है रबर ये हमारा रबर है रबर से हम किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को रबर से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से हम बैजो करेंगे और उसे बहुत अच्छे तरह से वो तो जल्दी हम इसे डिलीट कर सकते हैं राइट लेजो सेलेक्ट करके हम इसे डिलीट कर सकते हैं राइट दिस इज द वे इन विच वी मेक ऑल दिस थिंग्स राइट अगर इसे स्लाइड को हमको क्लियर करना है तो हमें ये जो क्रॉस देख रहे आप यहाँ पर क्रॉस यू कैन सी दिस इज द क्रॉस ये क्रॉस है ये क्रॉस को आपको करना पड़ेगा टैप टैप करते ही देखिए ये हमारा आ जाएगा क्लियर हमारा स्लाइड को क्लियर करने के लिए हमको करेंगे करना पड़ेगा क्लियर क्लियर करेंगे तो पर चला जाएगा ठीक है और क्या फैसिलिटी है हमारा कैमरा है कैमरा भी हम ऑन कर सकते हैं आप देखिए ये हमारा कैमरा है ये हमारा फ्रंट कैमरा है ठीक है फ्रंट कैमरा यहाँ से आप फेस कैम करके भी यहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं देखिए ये मेरा फेस कैम है और यहाँ से हम पढ़ा के दिखाते हैं जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ हम लिख कर दिखाते हैं तो यहाँ पर आपका फेस दिखेगा और यहाँ पर आप पढ़ा भी सकते हैं वेलकम टू आवर चैनल वेलकम टू आवर चैनल इस तरह से आप बहुत अच्छे तरह से आपका फेस कैम से भी आप पढ़ा सकते हैं ठीक है अभी हम और एक चीज दिखाना चाहते हैं जो है लास्ट वाला चीज ये वाला है हमारे कैमरा कैमरा ये हमारा फ्रंट कैमरा आप अगर बैक बैक कैमरा दिखाना चाहते हैं तो ये हमारा बैक कैमरा है देखिए यहाँ पर आप जाएंगे और इसे बैक कैमरा कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले इसे कैमरा को बड़ा करना है तो बड़ा भी आप कर सकते हैं आप यहाँ पर टैप करना है तो कैमरा हो जाएगा बड़ा राइट और इसे छोटा करना है तो हम फिर से चले जाएंगे, छोटा कर दिए और बैक कैमरा दिखाने के लिए आपको टैप करने पड़ेगा यहाँ पर और ये हमारा बैक कैमरा आ गया ठीक है बैक कैमरा में हम और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता है कि हम किस तरह से अपने जो पेन टैब है उसको मोबाइल से कनेक्ट करते हैं ठीक है वो हम दिखाते हैं देखिए ये हमारा बैक कैमरा है इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं देखिए तो ये हमारा जो पेन टैब है देखिए ये जो वायर है राइट ये वायर के साथ हम क्या कहते करते हैं एक यू लेते हैं जो यूएस हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं देखिए ये पेन टैब और पेन टैब ही जो है ये वर्टिकल पोजीशन में रखने पड़ेगा तभी आप लिख पाएंगे नहीं तो नहीं लिख पाएंगे तो आपको देखना जी आपका पेन टैब और मोबाइल किस तरह से सेटिंग होता है हो सकता है वो भार्टिकल में हो हो सकता है लैंडस्केप मोड में है जो भी मोड में है उस तरह से आपको सेट कर लेना है देखिए मेरा जो एक्सपेन पेन टैब है और ये हमारा पेन है ये पेन से हम लिखते हैं कुछ भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखता है राइट यहाँ पर हम देखते हैं और ये स्क्रीन में आपको ये यह राइटिंग यहाँ पर दिखता है तो ये हमारे जो पेन टैप है इसे हम क्या करते हैं ये पेन टैप पेन टैप को हम वर्टिकल पोजिशन में रखते हैं और ये जो वायर है इसके साथ वायर में एक हमारा यू एस बी पोर्ट लगता है जिसका नाम है टाइप सी या टाइप बी आपको देखना कि आपका मोबाइल के जो जो चार्जिंग पोर्ट है वो किस तरह का पोर्ट यूज़ करता है टाइप बी भी, भी हो सकता है या टाइप सी बी हो सकता है यहाँ पर हम टाइप यूज़ करते हैं और इसे मोबाइल के कर साथ कनेक्ट करते हैं ठीक है तो हम फिर से छोटा कर देते हैं और इसे ऑफ कर देंगे तो हमारा ऑफ़ हो जाएगा जो जा अभी ऑफ़ कर देते हैं इसको कैमरा को ठीक है ऑफ कर दिए और जो और एक चीज़ है जिसे हम ये व्हाइट बोर्ड है इसे हम पूरा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये मेरा रिकॉर्डिंग ऑप्शन है देखिए ये वाला जो है ये वाला मेरा रिकॉर्डिंग ऑप्शन है यहाँ पर हम अगर टैप करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विथ ऑन बोर्ड रिकॉर्ड अभी हम इसे कैंसिल करते हैं ठीक है तो इस तरह से हम कोई भी एक एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम इस तरह के एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है ठीक है हम स्लाइड नंबर टू में चले जाएंगे ये हम स्लाइड नंबर टू जेनरली इस तरह का एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए आपको दो चीज़ का जरूरत होता है क्या क्या ज़रूरत होता है हम अभी बताते हैं सबसे हमें रेड कलर ले लेते हैं जैसे यहाँ पर ज़रूरत होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए और उसका कितना कॉस्ट है वो भी हम आपको बताते हैं हार्डवेयर और दो नंबर में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो आप बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो इसे बना सकते हैं ठीक है सबसे पहले हार्डवेयर में सबसे पहले एक चाहिए मोबाइल ठीक है मोबाइल ये चाहिए सबसे पहले और दो नंबर में चाहिए पेन टैब जिसे हम पेन टैबलेट भी बोलते हैं पेन टैब tab या टैबलेट पेन टैब यहाँ पर हम जो पेन टैब यूज़ करते हैं उसका नाम एक्स पी पेन एक्स पी पेन डेको जीरो वन भी टू डेको जीरो वन वी टू ये पेन टैब हम यूज़ करते हैं और नंबर थ्री में है माइक्रोफोन माइक्रोफोन ये तीन चीज़ हमें हार्डवेयर में चाहिए और कुछ कुछ भी हमें नहीं लेना है माइक्रोफोन माइक्रोफोन में हम बोया यूज़ करते हैं बोया अभी हम इसका कॉस्ट का बारे में बता रहे हैं जैसे एक्सपी पेन है एक्सपी पेन डेको जीरो वन भी टू इसका कॉस्ट है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये बहुत अच्छा है और ये जो एक्सपी पेन टैबलेट है इसका कॉस्ट नियरली सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और इसका राइटिंग एरिया आप जितना मोबाइल का जितना भी एरिया है पूरा एरिया में कहीं पर भी आप लिख देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसे यहाँ लिख सकते हैं इसे यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ तक इसका वो राइटिंग एरिया है तो आप कहीं पर भी लिखेंगे वो पेंट पेंट एप में तो आपका पूरा स्क्रीन में आप देख सकते हैं ठीक है और सॉफ्टवेयर में हमको चार सॉफ्ट चीज़ यूज़ करते हैं सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वाइट बोर्ड वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं अभी जो हा वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है व्हाइट बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड का नाम है ऑन बोर्ड रिकॉर्ड ये व्हाइट बोर्ड हम यूज़ करते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड रिकॉर्ड प्ले स्टोर से आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं ऑन बोर्ड रिकॉर्ड ठीक है नंबर टू में और जो सॉफ्टवेयर है उसे हम यूज़ करते हैं उसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर इसका नाम है मोबीजन देखिए तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अब देख सकते हैं इसका नाम है मोबीजन मोबीजन यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर ठीक है और थर्ड नंबर में हम एक टूल यूज़ करते हैं, जिसका नाम है स्लिपिंग टूल स्लिपिंग टूल स्लिपिंग टूल हम यूज़ करते हैं इसलिए कि कहीं भी बुक से हम क्वेश्चन उठाना चाहते हैं तो स्लिपिंग टूल हमको लगता है इसी से हम करते हैं कोई भी क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में डालने के लिए ठीक है और क्वेश्चन नंबर फोर में आता है पीडीएफ कि जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसका पीडीएफ चाहिए जैसे हम क्लास नाइन का पी लिए हैं तो पी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है नंबर वन व्हाइट बोर्ड ऑन बोर्ड रिकॉर्ड फ्री है स्क्रीन रिकॉर्डर मोबीजन ये भी फ्री है स्लिपिंग टूल ये भी फ्री है और पी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको जो खरीदना है सिर्फ आपको पेन टैप चाहिए और माइक्रोफोन चाहिए अरे माइक्रोफोन का जो कॉस्ट होता है ये नियरली एट हंड्रेड होता है ठीक है इस तरह से आप एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो को बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए एक मोबाइल और पेन टैप एंड माइक्रोफोन और सॉफ्टवेयर जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जो है व्हाइट बोर्ड ऑन बोर्ड रिकॉर्ड इसक्रीन रिकॉर्डर मोबीजन यूज करते हैं और स्टिपिंग टूल है स्टिपिंग टूल क्या करते हैं स्निपिंग टूल से हम कोई भी क्वेश्चन को कट करके अपना व्हाइट बोर्ड में लाते हैं ये भी हम आपको दिखा देंगे दूसरे वीडियो में कि किस तरह से हम स्निप करते हैं ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लाने के लिए स्निपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं ठीक है हमें हम आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से हम स्निप करके कोई भी क्वेश्चन को ला सकते हैं ठीक है इसके लिए हम चले जाएंगे बैक अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं ठीक है ये हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को स्निप करते हैं ठीक है डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो